अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस किचन में आपका बहुत ही बेहतर वेलकम है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक मिर्ची के आलू। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और टिफिन के लिए बड़े कन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती है, कोई गिरने का डर नहीं, कुछ नहीं, और पकते बहुत जल्दी हैं इसकी। ये बात बहुत अच्छी है कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ पकाने का दिल भी ना हो, तो ये टेस्टी से आलू फटाक से उठिए और छीलिए, इनको गोल गोल काटिए और नमक मिर्ची डाल के रेडी कर लीजिए अपने टेस्टी से आलू। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे आलू छिल चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। देखिए, हम इस तरह से गोल गोल कट करेंगे अपने आलूओं को, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ में रखेंगे। देखिए, बस मैं इसकी थिकनेस ऐसी रखूँगी। और फ्रेंड, जिसको पकाने में कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बस पैन लीजिए, इसमें तेल डालिए, ज़ीरा डालिए, आलू डालिए और नमक मिर्ची डाल दीजिए, बस रेडी हो गए आपके आलू। बस फ्रेंड, फटाफट हम इसी साइज़ के सारे आलू कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरे आलू कट चुके हैं। अब अपने आलू को हम अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से। ये देखिए, हमारे आलू कैसे साफ हो गए, एकदम साफ साफ पानी निकल गया है इसका। चलिए फ्रेंड्स, हमारे आलू कट गए, छिल गए हैं। अब हम अपनी गैस ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह, और इस पर रखते हैं अपना पैन, बिस्मिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने पैन में तेल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 50 ग्राम तेल लूँगी। अब हम अपने तेल को गर्म होने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये जीरा 1/4 टेबल स्पून। और मेरी ये आलू आधा किलो है, जिनको मैंने काट के छील लिया है, धो लिया है। और ये देखिए, हमारा जीरा भी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ये आलू, बिस्मिल्लाह। फ्रेंड, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। चलिए, अब हम अपने आलू और मिर्ची नमक को मिक्स करते हैं। और फ्रेंड देखिए, बस इसमें कोई इंग्रेडिएंट और नहीं जाएगा और रेडी हो जाएगी हमारी टेस्टी सी सब्जी। ये बहुत टेस्टी पकती है, पराठे रोटी के साथ बहुत टेस्टी होती है, चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है। मुझे रोटी कम ही पसंद है, मैं चावल के साथ ज़्यादा खाती हूँ, पर ये बहुत टेस्टी लगती है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मुझे इसकी तो यही बात बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि झटपट से पक जाती है, टाइम नहीं लगता इसको ज़्यादा पकने में। बस देखिए, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना 1/2 कप पानी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। एक बार इसमें बॉईल आ जाए, फिर हम अपने गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम अपने गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसको ढक के पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटे हैं, ये मीडियम साइज में हमने आलू काटे हैं, तो जल्दी गल जाते हैं। इसको 10-15 मिनट नहीं लगेंगे गलने में। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 मिनट लगे हैं और मेरी सब्जी माशाल्लाह देखिए रेडी हो गई है। मैंने इसको 1-2 बार बीच में चेक कर लिया था और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये गल चुकी है। ये देखिए, बस अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको सर्व करने से पहले हम इसमें ऐड करते हैं हमारे खाने की जान हरा धनिया, जिससे कि हमारे आलूओं में जान आ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी माशाल्लाह हमारी टेस्टी सी आलू की सब्जी। इसे आप भी जरूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।